हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 100 साल पहले बाबल इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क था। इसमें अमालका की कौम बसती थी। कदावर, जंगजू और उनका बादशाह बख्त नसर था, जो इंतहाई जालिम और बेरहम था। उसे अपने सल्तनत की हदूद बढ़ाने का जनून था और इसी जनून की खातिर वो आस पास के मुल्कों पर हमला करता रहता। इसी जनून में उसने यरूशलेम पर हमला किया और फलस्तीन को यक्के बाद दीगरे 3 मरतबा तबाह व बर्बाद किया। यरूशलेम की इबादत गाह से कीमती और मुतबर्रिक बर्तनों और सामान को लूट लिया और उसे अपने फौजियों के हवाले कर दिया। फौजी इन मुबारक बर्तनों में शराब डालकर पीते और कहके लगाते। उन्होंने ज़बरदस्त कत्ल व गारत की, बूढ़े और बच्चे कत्ल कर दिए, जवानों को गुलाम बनाकर मंडियों में बेच दिया। बख्त नसर ने निहायत बेरहमी से हुक्म दिया कि कमज़ोर बीमारों को कत्ल कर दिया जाए और नौजवान लड़कियों और औरतों को गुलाम बना लिया जाए। फौज ने अपने बादशाह के हुक्म की तमील की और मकानों और इमारतों में लूट मचा दी, बस्ती और शहर तबाह व बर्बाद कर दिए। बख्त नसर इस सारी कार्रवाई के दौरान घोड़े पर सवार होकर अपनी फौजी दस्ते के हमरा निगरानी करता रहा। उसने इमारतों को गिरा दिया, सहीफे और मुकद्दस किताबें तक जला डाली। बादशाह बख्त नसर यरूशलेम और उसके नवाब में तबाही और बर्बादी मचाकर कौम को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बख्त नसर ने उन्हें बुजुर्गी के लिहाज से अपना मुशीर बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के अलावा उनके मुशीरों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। एक रात बादशाह बख्त नसर को एक ख्वाब नजर आया। उसने देखा कि एक बुलंद वाला दरख्त निहायत घना, निहायत मजबूत और उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं। परिंदे उसमें अपने घोंसले बनाए हुए हैं। उसकी जड़ें मजबूत और उसका साया निहायत घना है और लोग उसके साय में आराम कर रहे हैं। उसने देखा कि आसमान से एक अजीब मखलूक उतरी और दरख्त के पास आ गई। बख्त नसर ने इस मखलूक से पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं फरिश्ता हूँ और मुझे हुक्म मिला है कि मैं दरख्त काट डालूं और उसकी जड़ को उखाड़ कर ज़मीन के ऊपर डाल दूं, ताकि आसमान से जो शबनम गिरे वो नमी पैदा करे और घास उगे, यहाँ तक के 7 दौर गुजर जाएं। ये कहकर वो मखलूक गायब हो गई और बख्त नसर की आँख खुल गई। उसने नजूमियों को इकट्ठा किया, उनसे उस ख्वाब की तबीर पूछी। बहुत दिनों तक मुल्क के नामवर नजूमियों से उस ख्वाब की तबीर ढूंढते रहे, लेकिन उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। आखिरकार बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से इस सवाल का जवाब पूछा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम क्योंकि बड़े थे, उन्होंने कहा, ऐ बख्त नसर, सुन के तूने ख्वाब में जो दरख्त देखा वो दरख्त तेरी सल्तनत है। अल्लाह ताला का फैसला है कि तेरी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए और तुझसे हुक्मरानी छीन ली जाए और तुझे जंगल बदर कर दिया जाए। तू घास खाएगा, तेरे सर पर कोई छत न होगी, आसमान तुझ पर शबनम गिरी करेगा और तेरा कोई ठिकाना न होगा, और ये अजाब तुझ पर 7 साल तक कायम रहेगा, और फिर तुझ पर जाहिर होगा कि तमाम हुक्म और बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और फिर तुझे ये मालूम होगा कि वो शहनशाहों का शहनशाह है, जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। जब 7 साल गुजर जाएंगे तो तुझको तेरी हुकूमत वापस मिल जाएगी। बादशाह ने ये बात सुनी तो उसे परेशानी हुई, लेकिन इत्मीनान भी हुआ कि मेरी हुकूमत मुझे वापस मिल जाएगी। वो कारोबार हुकूमत में उलझ कर इस ख्वाब को भूल गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाबल में बख्त नसर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और बख्त नसर अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग गया। जंगलों में जंगली फल घास खाता और अपना गुजारा करता रहा। आखिर उसी साल में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की पेशनगोही के मुताबिक 7 साल गुजर गए। उसे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बातें याद आईं और वो सजदे में गिर गया और अल्लाह करीम से इल्तजा करने लगा। कहने लगा, ऐ बारी ताला, तू वाकई कादरे मुतलिक है, मुझे माफ़ कर दे। उसने अर्ज की, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले खुदा, तेरी हुकूमत हमेशा से है और हमेशा रहेगी,
तेरी हुकूमत लाजवाल है, तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे, जिससे चाहे छीन ले। तू शहनशाहों का शहनशाह है, मैं एक नाचीज बंदा हूँ। मैं समझ चुका हूँ, मुझे माफ फरमा और मुझे रहमत के साए में ले ले। वो रो रो कर दुआ मांग रहा था। इधर बख्त नसर के मुल्क बाबल में हालात सुधर चुके थे। उसके वज़रा और दूसरे अरबाब हुकूमत उसे ढूंढने जंगल में उसके पास पहुंचे। बख्त नसर ने जूं ही सजदे से सर उठाया, उसने अपने वज़रा को अपने सामने पाया। बेख्तियार बोल उठा, ऐ रब्बुल इज्जत, तू बेशक जबरदस्त है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। तू सुनने वाला है, इंसाफ करने वाला है और मगरूर का गरूर मट्टी में मिला देने वाला है। तू रब्बुल आलमीन है। उसकी दरबारी उसे अपने हमरा ले गए और बख्त नसर एक मर्तबा फिर बाबुल का शहनशाह बन गया। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल अजीम मालूमात को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। मिलेंगे ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।